कई बार हमें समझ में ही नहीं आता है क्या बनाए। ऐसा आप लोगों के साथ भी अक्सर होता होगा। ऐसा तब होता है जब हम थक जाते हैं। ऐसे में आज की मेरी रेसिपी है मूंग की दाल, जो बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं मूंग की दाल बनाना। सबसे पहले कुकर में एक कटोरी पीली मूंग की दाल डालें, जिसे मैंने अच्छे से धोकर 15 मिनट पहले भिगो कर रखा था। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी और दाल डूबने तक पानी डालें और कुकर बंद कर दें। अब इसे 4 सीटी बजने तक पकने दें। कुकर ठंडा होने पर इसे खोलें और दाल को अच्छे से मिला लें। अब इसमें एक छोटा गिलास पानी डालें और अच्छे से मिला लें और उबाला आने तक पकने दें। देखिए, आप देख सकते हैं अच्छा उबाला आ गया है। अब इसे एक कटोरे में निकाल दें। अब ऊपर से एक बड़ा चम्मच घी डालें और ऐसे फैला लें। साथ में आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर चारों तरफ छिड़के और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला चारों तरफ छिड़के। स्वादिष्ट मूंग की दाल सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे रोटी के साथ खाएं और आनंद उठाएं।